चर्चा ही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी। जब तक चर्चा में है तब तक खर्चा में है ना, नहीं तो सिर्फ पर्चा में है। मजा आता है हमको। यस यस, शिप एक्चुअली थोड़ी सी हैवी है, इसलिए हम शिप नहीं हो सकते। यस सर, खेसारी जी क्या कहना चाहते हैं? एक बार इस बैनर को दिखाइए आप लोग, शोर मचाए शोर। एक्चुअली देखिए, पहले हम बचपन में यही काम करते थे और हर आदमी चोर होता है, लेकिन कुछ चोरी ऐसी होती है जो दुनिया जान जाती है, और कुछ चोरी जो हम जो सरसों चुराते थे गांव में, किसी के बकरी चुरा लेते थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी चोरी की है। और हर आदमी अपने बचपन में चोरी किया है, और ये पहली मूवी होगी जो चोर मचाए शोर पे, और सबकी ज़िंदगी से फिल्म जुड़ी हुई होगी, क्योंकि हर आदमी बिना चोरी के आज तक यहाँ कोई पहचान ही नहीं है, चाहे वो रोटी चोरा है या कपड़ा चोरा है या जूता चोरा है, कहीं ना कहीं लोगों ने, हर वो इंसान कहीं ना कहीं चोरी किया है। तो ये एक अच्छी मूवी बननी चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी पे कोई बात आती है तो अब इसलिए वो चीज़ अच्छा हो जाता है। काजल को कितनी क्या शुभकामनाएं देंगे? मेरे तरफ से देखिए, काजल जी को ढेर सारी शुभकामना कि आज इंडस्ट्री की सबसे टॉप की हीरोइन है ये, और इनका बहुत बड़ा नाम है, यूट्यूब की किंग है। आज हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो आज 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ आउट ऑफ कंट्री में इनको देखा जाता है। तो हमारे हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की भी एक ऐसी छवि है जिसको दुनिया 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ लोग देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनके साथ साथ हम भी लग रहे, इनके बहाने हम लोग को भी लोग देख लेते हैं, है ना, गलत फहमी मत जीना, हमारे वजह से देखते हैं। अच्छा। यस। चोरी की बात करें तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ घटा हो जिसके बाद आपने सोचा कि बस आज के बाद तो चोरी नहीं करेंगे? देखिए, हर आदमी चोरी करता है, और वो जब तक जीता है, या बातों की चोरी हो या रातों की चोरी हो, हर आदमी कहीं ना कहीं चोर है। ऐसा नहीं कि आप भी चोर है, मैं भी हूँ, ये मीडिया ग्रुप जितने भी है, कुछ सच्चाई कम छापते हैं, झूठे ज्यादा छापते हैं, तो चोरी ही हुआ। तो जिंदगी में चोरी ऐसी चीज है कि जब तक आप धरती पे हैं, मनुष्य के रूप में जब तक आपका शरीर है, तब तक आपको चोरी करना है, चाहे वो जिस बात की। मान के चले, मुझे कभी कोई बात बोली, इनकी बातों को मैं बोला कि मैं, ये मेरा बनाया हुआ बात है, गाने की चोरी, धुन की चोरी, एस्टिमेंट की चोरी, पैसे की चोरी, तो दुनिया में विदाउट चोरी के ना किसी का जिंदगी चल सकता है और ना ही चला है, चाहे वो जिस जगह पे है, जिस प्रोफेशन में है, चोरी तो करना ही है। जी जी, काजल के जिक्र कर रहे थे, तो इसमें, इस फिल्म में खेसारी और काजल की जोड़ी को ब्रेक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ब्रेक हुआ? देखिए, साल में कम से कम 30-40 फिल्म बनती है, तो साल में खेसारी 30 फिल्म तो करेगा नहीं, और ना ही काजल 30 फिल्म करेंगी। तो सबको हक है कि जिस जगह पे आज हम लोग हैं, उस जगह पे हर वो आदमी आकर ब्रेक हुई, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जोड़ी ब्रेक का मतलब, तब हमारी जोड़ी बनी ही कब थी जब ब्रेक हुई है? समस्या यहाँ है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये जब मेरे साथ आती हैं, तो मैं, हम लोग एकदम ईमानदारी से अपने प्रोड्यूसर का दिल जीतते हैं, अपने डायरेक्टर का दिल जीतते हैं, और ईमानदारी से जो हमें रोल मिलता है हम दोनों करते हैं, और एक अच्छे दोस्त हैं तो हम दोनों समझ के ही करते हैं। काजल जी एक अनुभवी एक्टर है, और जहाँ तक सवाल है, तो हम दोनों एक ही समय आए थे इस इंडस्ट्री में, मेरा और इनका, मैं शायद उसी समय इनका भी फिल्म लॉन्च हुआ था, और मेरा भी पहला मूवी उसी समय लॉन्च हुआ था, तो हम दोनों, ना ये मेरी सीनियर है ना मैं इनका सीनियर हूँ। हाँ, इनका सीनियर में एक जगह हूँ, मैं गायकी में इनसे पहले से गाता हूँ, मैं, ये गाती नहीं है मुँह से, तो सब लोग मुँह से गाते हैं सब। आकाश के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आकाश जी देखिए, ऐसे पुत्र हैं जो सबको नसीब नहीं होता वैसा बाप मिलना, और जिसका बाप ही वचन हो, भोजपुरी के वचन साहब हम पूरी दुनिया कहती है उनको, और जिसके बाप ही वचन हो, उस लड़के का तो एनर्जी रोम रोम रोमा रोमा एक्टिंग से भरा होगा, क्योंकि जिसके ब्लड में ही एक्टिंग हो, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। और मेरी शुभकामना है मेरे भाई के लिए कि जिस लेवल पे हमारे पापा गए थे, उससे कई गुना ज़्यादा लेवल पे वो जाएं, ताकि उस लेवल को देखकर उस बाप को खुशी हो कि हमारा बेटा इतना बड़ा स्टार बन गया। तो क्योंकि हर बाप का एक इच्छा होता है कि उससे बड़ा उसका बेटा हो,
ताकि उसकी खुशी उसमें होती है, और हर वो बाप अपने बेटे की खुशी से ही खुश होता है और अपने बेटे की तरक्की में ही उसकी हर जीवन वो लुप्त हो जाती है। और वो जीवन में हर बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो कि मुझे भी देखने में लगे जहाँ ये मेरा बेटा है। तो आज नाम कुणाल जी की वजह से आकाश जी का है, लेकिन मैं ये दुआ करूँगा कि कल जो नाम कुणाल जी के बाद जो आकाश का लगता है वो आकाश का नाम पहले है और कुणाल जी का बाद में है। काजल क्या कहना चाहेंगी, जोड़ी ब्रेक नहीं हुई है, फिल्म में नहीं है खेसारी, फिर भी आपको शुभकामनाएं देने पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि एज अ फ्रेंड एंड इधर है, इधर मैं हूँ। जैसे कि जानते हैं हम कि कुणाल जी हमारे बहुत सीनियर है और इनको बहुत मानते हैं हम लोग, सो उनके कहने पे हमें कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, और ये तो मैं इस फिल्म में हूँ इसलिए मैं भी आई हूँ। सो इनकी इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि ये आए हैं यहाँ पे और हमें ढेर सारे मतलब शुभकामनाएं दी इन्होंने, सो थैंक यू सो मच। ये अच्छा काम कर रही हो कि नहीं मेरे भाई के साथ। ओके सो ये है कि मैं भी खुद भी चाहती हूँ, ये भी चाहते हैं कि हमारी नई नई पैर भी आए, हम नए हीरो के साथ भी काम करें, बिकॉज पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए। हमारा भी मानना है ये कि पब्लिक एक ही चीज़ें देख के बोर नहीं होनी चाहिए, सो हम इस तरह से हम अपना वर्क करते हैं। एंड मैं अभी आकाश जी के साथ कर रही हूँ, नो डाउट कि हम इनके साथ भी मूवी कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारी फिल्में आएंगी साथ में, सो पब्लिक को भी कुछ नया चेंज मिलना चाहिए और कुछ अलग सा उनको देखने मिलेगा। सो हमारी जोड़ी ब्रेक नहीं हुई है, हम काम करेंगे ज़रूर और कर भी रहे हैं और बहुत जल्द हम शूट पर भी जा रहे हैं। सो देखिए एक मेरी कहना है कि जब बिस्तर चेंज होता है तो बेड खूबसूरत हो जाता है, तो हमारा बेड जो है फिल्म है और बिस्तर आतिष्ट होते हैं, तो बाकी तकिया वकिया भी रहता है, तो जैसे अवधेश जी हैं तकिया हैं। तो बिस्तर जो होता है वो हमेशा चेंज होता है तभी हमारी बेड की खूबसूरतियाँ बढ़ती है, घर के पर्दे चेंज होते हैं तो ही हमारी घर की खूबसूरतियाँ बढ़ती है। अब एगो पर्दा कहीं झाल में झोल ला गई तो कहाँ से ठीक लगी, इसलिए हर आदमी को एक जोड़ी के साथ आदमी बोर तो हो ही जाता है। हम अपने पत्नी को देखकर अगर हम लगातार 6 महीना अपने पत्नी के साथ एक उसके सामने रहें तो हमें भी बोर फीलिंग होगा, लेकिन हम 20 दिन 25 दिन पर अपने पत्नी से अपने घर वालों से मिलते हैं तो उनके अंदर भी कि मेरा बेटा आया है, मेरा पति आया है, मेरी वाइफ है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो हर उसमें होता क्या है जो आपके अपने चीज़ों में निखार आती है, पब्लिक को कुछ नया देखने को मिलता है कि मैंने काजल के साथ अगली फिल्म की तो लोगों ने क्या देखा, मैं यही फिर किसी अदर एक्ट्रेस के साथ किया तो मुझे क्या मिला, तो वो चीज़ें चेंज होती है तो शायद वो बेटर होता है और होना भी चाहिए हर आदमी को, और आज सब लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, जब आप पर्दे पर अभिनय करते हो, खास करके काजल और खेसारी जब अभिनय करते हैं पर्दे पर, तो जो दर्शक होते हैं वहाँ पे तो उनकी सांसें ही नहीं बल्कि आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम जाती है, कैसे कर लेते हैं दोनों? देखिए जहाँ तक सांसें थमने की बात है तो हर वो ऑडियंस खेसारी लाल यादव ही है जो मुझे देखने आती है, तो जब मैं इनको छूता हूँ तो महसूस करती है कि खेसारिया नहीं हम ही छू रहे हैं, तो सांसें तो थम ही जाएगी, जैसे मैं छूता हूँ इनको तो मेरी सांसें थम गई तो कहीं ना कहीं ऑडियंस मेरे से जुड़ी है तो वो भी तो अपने आप को खेसारी समझ रही है, अब क्यों नहीं, उसका हक है, आज वो खेसारी बन के मेरी फिल्म देखती है तो उसका हक है कि जब मैं छूता हूँ तो महसूस करे कि खेसारी उसके भीतर है और मैं इनके भीतर भीतर है। भीतर मतलब वो नहीं, दूसरा भीतर मतलब है कि हमारे आत्मा मिल रहे हैं, हमारी ऑडियंस की आत्मा आपसे मिल रहे हैं, और जब तक ये आत्माओं का मिलन होता रहेगा तब तक शायद हम सक्सेसफुल रहेंगे और हमारी एक्टिंग में निखार रहेगा। जब तक हम एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे तो शायद हम एक्टिंग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, और पर्दे पर बहुत सारी चीज़ होती है कि हमें एट ए टाइम करने को कुछ मिलता है तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो शायद हम उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग बैठ कर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से बात करने से और अच्छे से एक दोस्ती रहती है, तो होता ये हो कि हम एट ए टाइम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो स्क्रिप्ट में नहीं होता है, और हम इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश पाती नहीं, इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट जो भी है, इंग्लिश मेरा थोड़ा कमज़ोर है, प्रणाम माफ़ करिएगा। और मैं चाहूँगा कि हम आज जिसके लिए आए हैं आकाश मेरा भाई, तो आकाश जी कहाँ है?
तो ये है मेरे आकाश भाई, और मेरा दिल से शुभकामना है कि जिस ऊंचाई को हम लोगों ने नहीं छू पाई उस ऊंचाई को ये मेरा भाई छुए, और अपने पापा का नाम इतना बड़ा करे कि कल चल के दुनिया कहे जी आकाश के पापा हैं कुणाल जी, नहीं कहे कि कुणाल जी के बेटे हैं आकाश जी, क्योंकि हमारी शुभकामना यही है कि इतने आगे जाएं कि जिंदगी में वो हर मुकाम इनके कदमों में हो और ये ऊंचाइयों को इतना ऊपर से देखे जी कल चल के हम लोग को भी कहना पड़ेगा यही मेरा भाई है। आकाश जी आप क्या कहना चाहेंगे, खेसारी सारे लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, देखिए शुभकामनाएं देने पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे जी? गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा, इतने अल्फाज ही नहीं मेरे पास इसके लिए, क्योंकि इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े स्टार अगर इतना विश्वास जताएं तो फिर कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा। अब ये तो फैसला हो गया है, क्या बात, क्योंकि और उन्होंने अपने आप को इतना स्थापित किया, इतने हर मोड़ पे, हर जगह पे, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, एक्शन हो, उनका तो कोई जवाब है नहीं, उनकी फिल्में अगर सब देखें तो कोशिश करेंगे कि उन्हीं के राह पे चलकर कुछ हद तक उनके दर्शकों से मतलब, अरे जिसके खून में इतना एक्टिंग भरा हो किसी के राह पे क्या चलेगा। नहीं भाई सही बात ये है, वो ये उनका बड़प्पन है जो बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इससे इतने बड़े स्टार हैं कि उनकी उनकी परछाई में कुछ कर दूं, इनका एक तिहाई भी मुझसे हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात हो। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों के जवाब देने के लिए, थैंक यू सबको, मीडिया ग्रुप को मेरी तरफ से आई लव यू, और मेरे भाई के लिए आप लोग भी शुभकामना करिए दिल से, थैंक यू सबको, बाय, गुड नाइट।